नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हिंदी वर्णमाला में घा अक्षर की बात करूंगा। घा से नाम होता है, जैसे घनश्याम हो गया, घुंघरू हो गया, घटा हो गया, तो आज घा अक्षर पर चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि आखिर घा अक्षर को किस तरह से शुरुआत में बनाया जाए। यानी कि मैं बाकी अक्षर की बात नहीं कर रहा हूं, यानी पूरे सिग्नेचर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पहले अक्षर को हम किस तरह से बनाएं ताकि हमारा भविष्य बेहतर हो सके और आप पहले अक्षर को पढ़ करके जान सकेंगे कि आपका किस क्षेत्र में उन्नत कैरियर होगा, किस क्षेत्र में आप अच्छा कर पाएंगे। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने यहां पर चार प्रकार लिए हैं घा के, आप देख सकते हैं। यहां पर घा पूरी तरह बंद है और यहां पर भी घा बंद है, लेकिन दोनों के घा में अंतर है। यहां दोनों घा खुले हुए हैं और इन दोनों घा में भी अंतर है। ये ज्यादा ऊंचाई लिए हुए है, ये कम ऊंचाई लिए हुए, लगभग बराबर है। यहां घा और इस घा में अंतर क्या है, ये घा के दो जो माउंटेन है वो नीचे की ओर जा रहे हैं और यहां पर सामने सामने फ्रंट पे हैं। सबके बारे में आपको बारी बारी से समझाता हूं। देखिए, घा मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये वही प्रभाव डालेंगे जैसे हम अंग्रेजी में कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें मनी बॉल बनता है या मनी बैग बनता है, तो घा अक्षर में एक प्रॉपर मनी बैग बनता है, यानी कि धन का बहुत बड़ा क्षेत्र बनता है। आप देख सकते हैं ये पूरा मनी बैग है। अगर कोई भी अपने अक्षर में घा को इस तरह से बंद करके लिखेगा, यानी कि ऊपर की शिरोरेखा लगाए, यहां लाइन खींचे, तो ये पूरा मनी बैग बन गया, यानी कि धन का क्षेत्र बहुत अच्छा बना। इस तरह का जो व्यक्ति होगा वो बड़ा बैलेंस बिहेवियर का होगा और जिस काम को करेगा बड़े मन से तल्लीनता से करेगा और उसमें सफल भी होगा। ये वाला व्यक्ति, ये जरूरी नहीं कि वो खेल में हो, राजनीति में हो, जिस क्षेत्र में रहेगा उसमें अच्छा काम करेगा। अच्छा, अब बात ही आती इस वाले में, यहां पर जो घा है ये सामने सामने देख रहा है, सामने माउंटेन है, तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे रिवर्स बी हम लोग बनाते हैं, ये बी है, तो ये लगभग ये उसी को रिवर्स कर दिया गया घा में, यानी कि इसमें भी मनी बैग है, यहां भी मनी बैग है। अब इस तरह का जो व्यक्ति होगा वो व्यापार में बहुत अच्छा काम करेगा, व्यापारी बहुत बड़ा होगा। सामने सामने देखिए, अगर किसी का एक मनी बैग बड़ा हो रहा है सामने की ओर, तो वो व्यापार अच्छा करता है, बिजनेसमैन अच्छा होगा, साथ में बड़ा हाजिर जवाब भी होगा इस तरह के सिग्नेचर में। अब बात यह आती है यहां पर इस घा और इस घा में अंतर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर दोनों घा खुले हुए, पहले आपको ये समझाता हूं। ये जो सिग्नेचर आप देखिए, अगर ऊपर, ये ऊपर की ओर जा रहा है और काफी लूप इसका जो कर्व है वो बड़ा है, ऐसा व्यक्ति राजनीति में होगा, ऐसा व्यक्ति जन मतलब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा होगा, बड़ा वाकपट होगा, बातों में बड़ी तेजी होगी, वाणी मुखर होगी, प्रभावी होगी, लोग उसकी बातों से अट्रैक्ट होंगे। ये राजनीति में लेकर के जाता है, कम्युनिकेशन स्किल को बहुत डेवलप कराएगा, साथ में ये कह सकते हैं कि अपने ऊपर बड़े पहनावे पे भी बड़ा ध्यान देगा। इस तरह का व्यक्ति ग्लैमर की फील्ड में आ सकता है, यानी कि नाम कमाने वाला। इस तरह का हस्ताक्षर अगर कोई करता है, यानी हस्ताक्षर का पहला अक्षर घा, तो ऐसा व्यक्ति कुल मिलाकर पॉपुलर बहुत होगा। अगर हम इस तरह का सिग्नेचर करते हैं तो ये हमारे धन को कम कर देगा। मनी बैग खुल गया, पूरी तरह बना नहीं है, अक्षर छोटा है, इस लाइन की शिरोरेखा के बराबर आ रहा है, तो इस तरह के व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत होगा, संघर्ष बहुत करेगा और उसके पास जमा पूंजी नहीं रहेगी, यानी कि खर्च आमदनी से कहीं ज्यादा होगा। तो ये सिग्नेचर को लिए मैं मना करूंगा, अवॉइड आप लोग करिएगा। अगर आप घा नाम से अक्षर से शुरुआत आपके हस्ताक्षर की होती है तो आपको ये वाला अवॉइड करना है। बाकी आप देखिए कि आप किस क्षेत्र में हैं और आपके लिए कौन सा इन तीनों में जो अक्षर है वो आपको सूट करेगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पे नए